नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धार्मिक अकेडमी में। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, DLS सेकेंड सेमेस्टर 2018 सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जो स्कॉलरशिप साइट है उसे रीओपन करने के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है मित्रों। हाँ, और जो कि आपका रिजल्ट है आज जारी हुआ है और काफ़ी बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ हैं, काफ़ी बच्चे री लगने के कारण मायूस भी हैं और काफ़ी ढेर सारी कमेंट्स आ रही हैं कि सर अब कुछ हो सकता है। तो मित्रों, मैं एक बार कह दूं, आप कोई नहीं जो री आई है, ठीक है सर, आगे अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, उसे आगे क्वालिफाई कर लेना। तो सबसे पहले जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मित्रों की, जो DLED 18 बैच के हैं जो आपके फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे अपने रिजल्ट के कारण, उन सभी के लिए एक बार फिर से स्कॉलरशिप साइट को रीओपन करने का PNP द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलिए मित्रों, हम ले चलते हैं आपको जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 11, 12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के समस्त वर्गों के अवशेष नवीन एवं नवीनीकरण यानी रिन्यूअल तथा DLED यानी BTC 2017-18 सत्र के अनुसूचित जाति सामान्य जाति के छात्रों हेतु, तो छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना है, जो कि डेट आपकी निकल कर आ रही है 1 नवंबर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विचार हो रहा है और इसका जल्दी कुछ ना कुछ आपको निर्णय देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज नोटिफिकेशन आ चुका है और जो आपका रीओपन होगी साइट वो 1 नवंबर 2019 से 20 नवंबर 2019 तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, जो छात्र यानी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से रह गए जिनका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया था। तो आप देख सकते हैं मित्रों इसे काफ़ी अच्छे तरीके से, और कब तक आपको अपना जो आवेदन है पूर्ण करना है और आवेदन भर करके कॉलेज में सबमिट कराना है, सभी कुछ दिया हुआ है मित्रों, काफ़ी कुछ अच्छी डिटेल में दिया हुआ है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि जो आपके प्रश्न उठ रहे थे कि सर DLED साइट के लिए जो 2018 बैच के लिए साइट को रीओपन किया जाएगा मित्रों, और सबसे पहले और सटीक खबर आपके देने के लिए आपका परिवार आपके लिए प्रतिबद्ध है मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको जो भी प्रश्न उठ रहे थे उन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपके मिल चुके होंगे। तो जिनका रिजल्ट आ चुका है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों, और जो मायूस हैं उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई नहीं मित्रों, आगे भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और आगे उसे जो भी आपकी बैक है उसे निकाल लें मित्रों। नमस्कार।